एंड मेकअप। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। बस ये जो नया साल है वो हम सभी की लाइफ में बहुत ही सेहतमंद हो, मैं यही कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, दिवाली पर मिठाई तो हर कोई बनाता है, मगर आज मैं आप सभी के लिए 5 अलग तरह की चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मैंने ये जो चॉकलेट बनाई है उसमें सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो इजीली अवेलेबल है। मोस्टली सभी चीज़ें हमें घर पर ही मिल जाती है, ऐसी है चॉकलेट बनेगी वो सुपर टेस्टी बनने वाली है। डेफिनेटली आप सब लोग अपने घर पर इसे ज़रूर से बनाना। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने इसमें चॉकलेट का जो स्लेब आता है 500 ग्राम का, उसमें 4 स्लेब आते हैं। तो एक स्लेब जो होता है वो 125 ग्राम का होता है। तो डार्क चॉकलेट के मैंने ऐसे 2 स्लेब लिए हैं और मिल्क चॉकलेट का 1 स्लेब लिया है, और दोनों को मिक्स कर मैंने इस डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया है। सबसे पहले बनाएंगे हम पिक्सी कोकोनट ट्रफल। तो इसके लिए हमें ये मिल्क चॉकलेट ली है और ये कोकोनट का बूरा लिया है मैंने, और ये मैंने ट्रे ली है बर्फ जो हम जिसमें जमाते हैं उसकी, और ये इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो चॉकलेट है वो इजीली उसमें से निकल आएगी। देखिए, ये हमने हाफ जो हमारा ट्रे है उसमें चॉकलेट फिल कर ली है। अब हम इसे फ्रिज में 5 to 10 मिनट रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये हमारी जो चॉकलेट है वो अब सेट हो चुकी है। अब हम उसमें कोकोनट रख देंगे बीच में। देखिए, अब हम इसके ऊपर हमारी मेल्टेड चॉकलेट है वो डाल देंगे। इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, ऊपर नीचे चॉकलेट का ब्राउन और बीच में वाइट लुक बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे टैप करके सेट होने के लिए रख देंगे। ये रेडी है हमारी पिक्सी कोकोनट ट्रफल। कैरेमल कैपेचिनो ब्लिस बनाने के लिए ये हमने आधा फिल कर लिया है जो हमारी ट्रे है वो, और ये हमने जो कैरेमल बनाया था वो है, वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमें हमारे घर पर ये जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो थोड़ा सा उस पर स्प्रिंकल करना है। देखिए, और इसके ऊपर हम एक कोटिंग और चॉकलेट का कर देंगे।
ये हमारी कैरेमल कैपुचिनो ब्लिस भी रेडी है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए ये रेडी है हमारी कैपुचिनो ब्लिस। देखिए देखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। रॉयल पान डिलाइट चॉकलेट बनाने के लिए ये मैंने मोल्ड लिया है जो मेरे घर पर ही पड़ा था, और ये पान का मसाला है जो कि मैंने घर पर ही बनाया है, और ये चॉकलेट है। तो इसके लिए हम पहले इसमें चॉकलेट आधा जो हमारा मोल्ड है वो फिल कर देंगे चॉकलेट से। अब हमारी ये जो रॉयल पान डिलाइट है उसमें हम हमारे ये जो पान का मसाला है वो रख देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम एक कोट चॉकलेट का लगा देंगे। ये देखिए हमने ये सब फिल कर दी है पूरी। अब हम इसे सेट करने रख देंगे। ये रेडी है हमारी पान चॉकलेट, इसे हम निकाल लेते हैं। नटी बिस्कोटी क्रंच बनाने के लिए मैंने ये नट्स लिए हैं, ये मिक्स नट है। इसमें मैंने पिस्ता, बादाम और काजू लिए हैं। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट है वो उसमें मिला देंगे। और ये इस तरह का मैंने कार के शेप वाला मोल्ड लिया है, तो बच्चों को भी इससे अच्छा लगेगा। तो ये हम इसमें मिला देंगे। देखिए ये हमारी चॉकलेट फिल कर दी है हमने, अब हम इसे सेट होने देंगे। ये हमारी नट्टी बिस्कुटी क्रंच भी रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका शेप लग रहा है, और बीच में जो नट है उसका क्रंचीनेस आएगा तो ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। रेट्रो ब्राउनी ट्रीट बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट, और ये ब्राउनी है जो मैंने स्क्रम्बल कर ली है। तो पहले हम ये जो मोल्ड है उसमें थोड़ी सी चॉकलेट फिल कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इस सबको आधा फिल कर दिया है। थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे और सभी पर हम ब्राउनी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ी चॉकलेट डाल देंगे।
अब हम इसे सेट करने रख देंगे। हमारी रेट्रो ब्राउनी ट्रीट भी रेडी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये रेडी है हमारी चॉकलेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।